प्यारे व्यूवर्स में वेलकम करती हूँ आपका किचन विद आसिया में। तो आज जो रेसिपी लेके मैं हाजिर हुई हूँ वो बेसिकली मेरी कजन की रेसिपी है। सिंपल सा बेसिक सा सैलेड है। तो सैलेड बनाने के लिए हमें जिन जिन चीजों की जरूरत है वो ये है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, तो आज हम एक बनाएंगे सैलेड। बेसिक सैलेड है, सिंपल सा सैलेड है। उसके लिए हमें चाहिए एक अनियन, टोमेटो, ग्रीन चिली, लेमन और पिंच ऑफ सॉल्ट। सबसे पहले हम अपना अनियन को कट कर लेंगे। 1 2 3 ओके, अनियन को हमने कट कर लिया और इसको थोड़ा सा सॉल्ट लगा के रख लिया ताकि इसकी कड़वाहट निकल जाए। अब हम एक टोमेटो लेंगे। ऑलरेडी इसको वॉश करके हमने ड्राई कर लिया ताकि इसके ऊपर से सारा डर्ट उतर जाए। और ऐसे फोर्क लगा के अब हम इसको थोड़ा सा सेकेंगे स्टोव पे। स्टोव ऑन कर लेंगे और हम इस तरह इसको चारों साइड से सेक लेंगे। ये थोड़ा थोड़ा रेड रेड हो जाएगा, इसका ब्राउन ब्राउन छिलका हो जाएगा। थोड़ा सा इसको जला लेंगे। बेसिकली स्टार्ट हो गया, इसको चारों साइड से थोड़ा थोड़ा सा बर्न कर लेंगे। ये पक जाएगा इसका छिलका और बिल्कुल कोशिश कीजिएगा रेड टोमेटो लें, सॉफ्ट जल्दी होता है। कच्चा वाला जो है ग्रीन वाला वो हार्ड होता है। ये देखें, ये पूरा अच्छे तरीके से बर्न हो गया। अब इसको पील ऑफ कर लेंगे इजीली। ये देखें इसका तो व्यूवर्स, आज मेरी कजन आई हुई है और मुझे बहुत मजा आ रहा है किचन विद आसिया में कुकिंग करने का। तो ये मैं आपको बिहाइंड द कैमरा सीन दिखा रही हूँ। इसको हमने सीधे तरीके से नहीं उतारना, विद म्यूजिक उतारना। देखिए इसकी कटिंग, आज ये बार्बर शॉप में आया हुआ है और हम इसकी स्टाइल बना रहे हैं। आज ये हमारे हत्थे चढ़ गया बेचारा। चले जी, ये देखिए इसमें नमक था और नमक में ही उन्होंने सारा पील ऑफ उसका डाल दिया। सॉरी व्यूअर्स, मैं जरा नहीं नहीं शेफ हूँ ना, नहीं शेफ मैं नहीं हूँ, हूँ जरा रिकॉर्डिंग का थोड़ा सा। ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, इसको कट करेंगे, इसको अच्छे से कट करने के बाद हमने इसको हाथों से मसलना है। बिल्कुल इसको मैश कर लेना है। जैसे नॉर्मल सैलेड्स के अंदर टमाटो स्लाइसेस उसके नज़र आ रहे होते हैं, ये वैसे नहीं है। इसको चूल्हे पे गरम करने का मकसद ही ये है कि ये बिल्कुल पक जाएगा, मैश हो जाएगा आराम से। ये नाइफ से हमने कट कर लिया, अब इसमें गंदा सा प्रोसेस है। इसको हाथों से मैश करना है तो हमें ऑन कैमरा नहीं करेंगे। ये देखिए हमने इसको प्याज को बिल्कुल वॉश कर लिया और देखिए बिल्कुल ढीला ढीला सा हो गया, इसमें से सारी कड़वाहट निकल गई है। अब ये प्यारा से एक बाउल लेंगे, इसमें ऐड करेंगे ये टोमेटो। ऐड करेंगे अनियन। सॉल्ट जो था वो ऑलरेडी ऐड हो गया था, मैंने आपको पहले बता दिया। वो हमारी टोमेटोज के अंदर ही ऐड हो गया था, वो हम कुछ कर रहे थे। अब हम कट करेंगे ग्रीन चिली बिल्कुल बारीक बारीक। जो लोग सैलेड में ग्रीन चिली को सर्व करते हैं उनके लिए आप ऑप्शनल है, आपको नहीं पसंद तो आप नहीं डालें, लेकिन इसको डालने से फ्लेवर बहुत बहुत गुड आता है, बहुत यम्मी फ्लेवर आता है। ये देखिए बिल्कुल बारीक बारीक सा ग्रीन चिली को भी हम कट करके ऐड कर लेंगे। अब हम सैलेड की ड्रेसिंग रेडी करेंगे। एक लेमन स्क्वीज कर लेंगे, ये हमारा नेचुरल स्ट्रेनर, इसमें से सीड स्ट्रेन हो जाएंगे और जूस। लेमन स्क्वीज कर लिया, अब हमने जस्ट फॉर द टेस्ट हम इसमें ऐड कर लेंगे पिंच ऑफ ब्लैक पेपर। मेरा पिंच थोड़ा सा बड़ा है। ऐड कर लिया, सॉल्ट ऐड कर लिया हमने। अब इसको एक मेन काम है इसका, इसको मजीद सारे सैलेड को मैश करना है।
अच्छे से उसको हाथों में मसल लें। ग्रीन चिलीज तो थोड़ी सी जलन करेंगी, लेकिन सैलड का बहुत बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ये देखिए ऑलरेडी हमारा टोमेटो मेश है और देखने में इतना टेस्टी लग रहा है, बहुत यम्मी, इसका टेस्ट बहुत यम्मी होता है, लुक सो डिलीशियस। ये देखिए प्याज को पहले ही नमक लगा के उसकी कड़वाहट निकालने से प्याज भी बहुत नरम नरम हो जाता है और उसको खाने का बहुत टेस्ट आता है, कड़वा प्याज बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। ये लीजिए हमारा सिंपल सा लेकिन बहुत टेस्टी सैलेड बिल्कुल रेडी है। इसको आप खा सकते हैं पुलाव के साथ, खिचड़ी के साथ, दाल चावल के साथ, वट एवर यू वॉन्ट, बट ट्राई। अब मैं आपको जो आज हमने बनाया है दाल चावल, लेकिन हम उसको खिचड़ी बोलते हैं चने की दाल की, तो अब मैं आपको उसमें सर्व करके दिखाऊंगी। तो मैं आपको यहाँ पे एक फनी बात बताती चलूँ। जब मैं छोटी थी तो अपनी खाला के घर जाती थी और उनसे वो जब भी मुझसे पूछते थे कि घर खाने में क्या पका है, तो मैं उनको खिचड़ी की जगह खींची बोलती थी। तो आज भी मैंने वो बनाई है, तो आज भी खींची बनाई है, वो मेरा उसी तरह से मजाक उड़ा रहे थे। तो चले मैं अब आपको सर्व करके दिखाती हूँ। सैलेड मेरा और तारीफें आपकी, खींची खींची आपकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Very delicious, very tasty, must try it. तो ठीक है व्यूअर्स, इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। मेरे चैनल किचन की दासिया को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।